आपने मना किया ना रेप बोलने के लिए? 376 और रेप बोलने के लिए मना किया है ना, बेल के लिए अप्लाई कर सकते, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? उनको तो है ही ना, उनको राइट है बेल के लिए एप्लीकेशन करना, वो उस आई एम सो स्कैर्ड जाता है तो आई एम सो स्कैर्ड आदिल को ये जिंदगी में कभी ये सभी देखा नहीं है कुछ, सो इमोशनल सो स्कैर्ड, सब फिल्मों में देखा था, ये सब रियल हो रहा है। अरे स्किन खराब हो गई भाई, बहुत ज्यादा स्किन खराब वाइट कहाँ चलेगी, बूम नीचे रखने वाले मालूम ही नहीं है ना। अभी ऑर्डर नहीं, जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर आ गया है। अब मैसूर पुलिस जो है उन्होंने ट्रांसफर वारंट का एप्लीकेशन किया है। मैजिस्ट्रेट साहब अभी लंच पे गए हैं, वो आने के बाद मैसूर पुलिस को कस्टडी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके ऊपर डिसीजन आएगा। वेल राखी आज अगर आई एम सो स्कैर्ड जाता है तो आई एम सो स्कैर्ड आदिल ये जिंदगी में कभी ये सभी देखा नहीं है कुछ, सो इमोशनल सो स्कैर्ड, सब फिल्मों में देखा था, ये सब रियल हो रहा है। लेकिन अगर मैसूर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसके बाद आपका आगे का क्या डिसीजन होगा? मैसूर में तीन तीन चार चार केस है उनपे, एक 376 वो आपने मना किया ना रेप बोलने के लिए, 376 वो रेप बोलने के लिए मना किया है ना, तो बोलना नहीं चाहिए 376। एंड बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है, 4-5 केसेस है आदिल के ऊपर, वहाँ कितना वक्त लग जाएगा, शायद 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना, मिलने नहीं मिलेगा। बट फाल्गुनी मैम तभी तक के यहाँ के जो केस है उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? वो तो चलेगा ना, वो केस तो पेंडिंग रहेगा, केस खत्म नहीं होती, वो वारंट पे ट्रांसफर होके जब वहाँ पे भी जो भी फैसला होगा उसके बाद वहाँ की पुलिस को वापस से जैसे गया है ना, जैसे गया तो यहाँ पे आना ही आना है ना उनको। सारी चीजों के बीच में क्या उनके वकील बेल के लिए अप्लाई कर सकते, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? उनको तो है ही ना, उनको राइट है बेल के लिए एप्लीकेशन करना, वो उसके लिए कोई उसमें बार नहीं है, तो वो जरूर करेंगे अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे कि बेल ना हो, क्योंकि उनको यहाँ पे आना जरूरी है। मेरे इतने पैसे, मेरे इतने वीडियोस, मेरे केस भी बहुत ज्यादा गंभीर है, वो देखिए जो चोटे लगी है मुझे सारे केसेस। एक औरत कभी नहीं चाहती अपने घर की बात कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन कहते हैं ना पानी सर के ऊपर भी नहीं, समंदर पार हो गया मेरी जिंदगी में। चलो बात करते हैं वहां, बाकी दो पे।